मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के बाबूनगर इलाके में एक ढाई मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। परिवार के साथ लोग मकान के अंदर दबे हुए हैं। वहीं एक युवक की इलाज के दौरान मौत का जो मामला है वो सामने आ चुका है। जी हां, उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर के अंतर्गत मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के बाबूनगर गली नंबर 5 में सुबह 4 बजे करीब उस समय हड़कंप मच गया जब एक ढाई मंजिला मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। मकान में रह रहे लोग मलबे में दब गए, जिन्हें GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है इलाज के दौरान एक 20 वर्षीय युवक की मौत भी हो गई। वहीं अब मलबा हटाने का जो काम है वो भी जारी है। पड़ोसियों के मुताबिक घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। यह मकान हाजी समीम का बताया जा रहा है और मकान में सुलेमान अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था। वो पेशे से कबाड़ी का काम करता था। सुलेमान के परिवार में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। वह हैं पति पत्नी थे और मकान में 40 साल पुराना बताया जा रहा है। इसमें गटर काफ़ी कमज़ोर थे। इसके अलावा सुलेमान ने कबाड़ का बोझ इसी मकान के मंजिलों पर रखा हुआ था। इसके चलते भी कहीं ना कहीं वजन जो है वो ज़्यादा हुआ, इसी वजह से इस तरीके का हादसा सामने आया। बहरहाल अब जो है मलबा हटाने का काम जारी है, उसके बाद तस्वीर साफ हो गई कि इसमें कितने लोग की मौत हुई है। फिलहाल अभी तक एक शख्स की जो मौत की खबर है वो सामने आ रही है। RSO न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। RSO न्यूज़ के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। जी आपका नाम? मोहम्मद शाकिर। शाकिर जी, ये जो हादसा हुआ है आपके पड़ोस में, ये कैसे हुआ और कब हुआ? ये सुबह जो है रात हम सब यहाँ सब बच्चे सो रहे थे, ये सुबह 5 बजे हादसा हुआ है कि मकान जो है नीचे बैठ गया। इसमें कितने लोग थे? इसमें तकरीबन 7-8 लोग थे। इसमें चोट किस चीज़ के लगी है? चोट तो करीबन सबकी है कि दो एक बच्चे हुए हैं। मतलब लेडीज और बच्चे कितने थे इसमें? बच्चे लड़के जो तकरीबन 4 हैं, लड़के भी 3 हैं, एक माँ है एक बाप। इसमें काम क्या करते थे वो? इसमें कबाड़ का काम था। कबाड़े का काम था जी? किस तरीके का कबाड़े का काम था? मतलब इसमें एलएस का काम होता है, फुकाई का। फुकाई का, तो इससे क्षेत्र वालों को कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं, उससे तो कोई परेशानी नहीं। क्षेत्र वालों को परेशानी होती तो यहाँ काम नहीं हो सके। नहीं, जिस तरीके से फुकाई का काम होता है, जलाई का काम होता है, पॉल्यूशन का काम है, तो लोगों को सांस लेने की दिक्कत होती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, माशाल्लाह हम सब क्या रिल मिल के रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कितने साल से यहाँ रहते थे? ये तकरीबन तीन साल के आसपास हो गए थे। और इनका नाम क्या है जो दबे थे? इनका नाम जो है क्या है, सुलेमान है। और बच्चे कितने थे इनके? बच्चे 3 लड़के हैं इनके और 4 लड़की का लेबर। तो सब घर के अंदर ही थी पूरी फैमिली इनकी? पूरी फैमिली घर के अंदर। तो सबकी चोट लगी है? ज्यादा नाजुक कौन है, बेटा है बेटी है? ज्यादा नाजुक जो है वो क्या है, सुफियान है बेटा उनका। आपका नाम सर? मेरा नाम सोकी नली है। सर, ये जो गली है कौन सी गली है? ये बाबूनगर की 25 छोटे वाली 5 नंबर गली पड़ती है जी, आस फार्मर वाली गली। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है कितने टाइम का हादसा है? ये लगभग 4:30 बजे सुबह के टाइम हुआ है। और इसमें कितने लोग थे? इसमें तकरीबन जो है 3 या 4 लेडीज थी और 4 इसमें जेंट्स थे, जिसमें इसमें जो है लगभग सभी को चोट लगी है। और जो सबसे बड़ा बच्चा इनका जो लड़का है सुफियान, उसको सबसे ज्यादा चोट लगी है इसमें। जिस तरीके से हमें खबर मिली है कि एक डेड बॉडी निकली है, ऐसा कुछ अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऊपर वाला उस पर रहम करे, लेकिन खतरे में है वो लड़का। ज्यादा ही सीरियस है? ज्यादा सीरियस है जी। तो ये यहाँ काम क्या करते थे? इनका स्क्रेप वगैरह का कुछ काम था, या बोर्ड वगैरह का कह लीजिए, ये गार्बेज वगैरह का काम कबाड़े से रिलेटेड। ये कितने टाइम से यहाँ रहते थे? तकरीबन इनको 3 साल हो गए यहाँ रहते हुए।